हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फर्स्ट लीप चैनल में। आज मैं फिर से कुछ लेके आया हूँ जो कि DSSC TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, वो भी स्पेशल से रिलेटेड हैं सारे। तो चलिए आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ऑप्शन ए विद्यार्थी से निबंध लिखवाकर, बी विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, सी विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, डी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हैं उनके प्रति आप एक शिक्षक के रूप में दृष्टिकोण रखेंगे, उपेक्षापूर्ण, कठोर, दया का, सहानुभूति का। तो इसका राइट आंसर होगा सहानुभूति का। कठोर तो हम हो नहीं सकते, दया की क्या जरूरत होती है, दया नहीं करते, सहानुभूति का। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, बच्चों से सही उच्चारण करवाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, बी ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांट कर बुलवाएंगे, सी मिलते जुलते उच्चारण वाले ऐसे शब्दों का सहारा लेंगे। ऑप्शन डी, ए और डी की जगह बी होगा, ये बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है लास्ट फोर। नेक्स्ट है, गृह कार्य अलग अलग बच्चों को डैश ए की रुचि के अनुसार होना चाहिए, बी योग्यता स्तर के अनुसार होना चाहिए, सी के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, डी के लिए कभी एक सा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट है, अपवादी बालकों के गुणात्मक वर्गीकरण का उदाहरण है बौद्धिक विचलन, इंद्रिय विचलन, गामक विचलन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अपवादी बालकों का विचलन देखने में आता है? बुद्धि तथा शारीरिक अंग, बी ज्ञानेन्द्रिय व व्यक्तित्व, शैक्षिक व सामाजिक विचलन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विचलन के धनात्मक पक्ष में निम्न में से किन बालकों को शामिल किया जाता है? उपहारी बालक, सृजनशील बालक, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, बौद्धिक विचलन की ऋणात्मक दिशा में 80 या उससे कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है मानसिक विकलांग, क्रियात्मक विकलांग, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मानसिक विकलांग। नेक्स्ट है, शारीरिक विकलांगता के लिए अब निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? शारीरिक चुनौतीग्रस्त, शारीरिक अपंग, शारीरिक अक्षम, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है शारीरिक चुनौतीग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशील बालक उपहारी बालकों से निम्न में से किस अर्थ में भिन्न होते हैं? उनकी बुद्धि लब्धि 120 या उससे अधिक हो यह आवश्यक नहीं है, वे सारे क्षेत्रों में अद्वितीय होने के बजाय एक या दो क्षेत्र में ही विशेष क्षमता दर्शाते हैं, सी उपरोक्त दोनों, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह उपरोक्त दोनों। इंद्रिय विकलांगों की श्रेणी में आते हैं फर्स्ट है गूंगे, बहरे, अंधे, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बालकों को अपवादी बालक नहीं माना जाता जो किसी प्रकार की शैक्षिक या सामाजिक समस्या उत्पन्न नहीं करते, जिनका माध्यम से विचलन से अधिक नहीं होता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दृष्टि बाधित लोग वे होते हैं जिनकी दृष्टि 6/60 से भी कम होती है, 40% से भी कम होती है, सी उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी की दृष्टि 3/60 हो तो वह होगा 75% दृष्टिहीन, 50% दृष्टिहीन, 20% दृष्टिहीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो होगा 75% दृष्टिहीन, 75%। नेक्स्ट है, भारत में श्रवण बाधित
उन लोगों को माना जाता है जिनकी सुनने की क्षमता 120 डीबी से भी कम होती है, 90 डीबी से भी कम होती है, 25 डीबी से भी अधिक होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 90 डीबी से भी कम होती है। गामक विकलांग उन्हें माना जाता है जो चलने फिरने में आधे के लगभग अक्षम होते हैं, जीभ में त्रुटि के कारण बोल नहीं पाते, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे लोगों को इंद्रिय बाधित श्रेणी में रखने का कारण है कि व्यक्ति सुनकर ही बोलना सीखता है, बोलने की समझ संबंध इंद्रियों से ही होता है, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्ति सुनकर ही बोलना सीखता है, पहले सुनता है तभी तो बोलता है। नेक्स्ट है, हाथों या पैरों में विकार उत्पन्न हो जाता है किसी मानसिक रोग के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, पोलियो रोग के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट है, भारत में दृष्टि बाधित लोगों की संख्या लगभग 1.33 करोड़ तथा शारीरिक विकलांग लोगों की संख्या है लगभग 60 लाख, 1 करोड़, 1.4 करोड़, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 1 करोड़। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थी तथा व्यवहार विकार संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाता है व्यक्तित्व विचलन में, बुद्धि विचलन में, शैक्षिक विचलन में, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व विचलन होता है, इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थी बालकों को समस्या होती है बोलने व सुनने में, लिखने व पढ़ने में, तर्क एवं गणितीय क्रियाएं करने में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त, क्योंकि उसको लिखने पढ़ने में होती है, तर्क गणितीय क्रिया करने में भी होती है और बोलने में भी होती है। तो इसका आंसर डी। नेक्स्ट है, अधिगम असमर्थी बालक सामान्य होते हैं बुद्धि में, इंद्रिय क्षमता में, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धि में समान होते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक विचलन में वे बालक आते हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों से कम होती है, उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शैक्षिक निष्पत्ति का कारण है उच्च बौद्धिक क्षमता, उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमि, छात्र की कड़ी मेहनत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो आज ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन लाता रहूँगा। थैंक यू।